हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण कन्हैया का मेकअप। सबसे पहले मैंने क्लीजिंग की है, फिर मॉइस्चराइज़र लगा दिया। अब मैं लोटस का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। उसे लगाने के बाद मैंने ऑरेंज कंसीलर लिया है। ऑरेंज कंसीलर मैंने आईज पे लगा दिया है। उसके बाद जहाँ भी डार्क एरिया था थोड़ा थोड़ा मैंने वहाँ पर लगा दिया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है मैबलिन का कंसीलर। मैंने इनका आईब्रो नहीं बनाया है क्योंकि इन्हें आईब्रो नहीं बनानी थी। सो मैंने लगाया है मैबलिन का कंसीलर आईज़ पे। आईब्रो पर भी मैंने थोड़ा कंसीलर यूज़ किया है क्योंकि इनकी आईब्रो नहीं बनी हुई है, तो थोड़ी आईब्रो अच्छे से नज़र आए। कंसीलर लगाने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैं ब्लेंड करने के बाद मैंने पाउडर से फिक्स कर दिया है, वो भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाया है। अब मैंने लिया आई शेडो पैलेट और मैं ऑरेंज आई शेडो आइज पे लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऑरेंज आई शेडो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोर पंख वाला आई मेकअप करूं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर लेकर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं। दूसरी आईज़ पे भी मैंने ग्रीन कलर लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे इस आई मेकअप को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल आई मेकअप आपके सामने आने वाला है। सो वेट कीजिए और लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं कर रही हूँ डबल कट क्रीज आई मेकअप। सो फ्रेंड्स, आप देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल आई मेकअप होने वाला है। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आईज़ पे। कंसीलर लगाने के बाद अब मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पाउडर से कंसीलर को फिक्स कर रही हूँ। मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने आई शेडो पैलेट से रेड कलर लिया है जो मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, लेकिन इस ब्रश से मेरे से ठीक से लग नहीं रहा है, तो मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे आईज़ पे अप्लाई किया है। इनर कॉर्नर पे मैंने ये रेड कलर लगाया है। उसके बाद मैंने ऑरेंज आई शेडो यूज़ किया है। ऑरेंज लगाने के बाद मैं उसे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया थोड़ा सा येलो कलर। येलो और ऑरेंज को मैं थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करी हूँ ताकि कलर अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। ऑरेंज येलो को ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है और फिर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ऑरेंज कलर थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैंने थोड़ा सा और लगाया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर से ग्रीन कलर यूज़ किया है और अच्छे से धीरे धीरे से ब्लेंड कर रही हूँ।
अब मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लेके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और फिर थोड़ा डार्क लेके मैंने अच्छे से ब्लेंड करना शुरू किया, और उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक भी मिक्स कर लिया। अब मैंने डार्क ग्रीन और ब्लैक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि वो अलग से ना दिखें। मैंने आईज़ पे कोई ग्लिटर नहीं लगाया है, थोड़ा सा मैं ऑरेंज शिमर यूज़ कर रही हूँ आई बॉल्स पे। और अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, तो मैंने इनर कॉर्नर से लाइनर लगाना स्टार्ट किया है। अब मैं एक अच्छी विंग बना रही हूँ क्योंकि मैंने डबल कट क्रीज आई मेकअप किया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने दोनों आंखों पर आईलाइनर लगा दिया है, तो अब मैंने आईलैशेस दिए। इस पे मैंने ग्लू पहले से ही लगा लिया है। आप देख सकते हैं आईलैशेस लगाना कितना आसान है। लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा आई शेडो आउटर कॉर्नर पर लगाना पड़ा क्योंकि वो मैंने लगाया तो वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और मैं ब्लैक आई शेडो आउटर कॉर्नर पर लगा दूँ, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आई मेकअप क्रिएट हुआ है। अब मैंने एक गोल्डन ग्लिटर लिया है, मैं इसे आईज़ पर लगा रही हूँ, सो आप देखना कितना ब्यूटीफुल लुक आपके सामने आने वाला है। अब मैंने कलर बार की काजल पेंसिल यूज करके काजल लगाया है। अब मैं अपनी कंसीलर पैलेट से दो कलर मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने किया है थोड़ा सा कॉन्ट्यूर। कॉन्ट्यूर करने के बाद मैंने अब लिया है ब्लश। ब्लश लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
फ्लैश लगाने के बाद अब मैं इसे करूँगी हाइलाइटर। अब मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है और अच्छे से लगा रही हूँ। अब मैंने नोज के कॉन्ट्योर किया है और इसे मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। अब मैंने लिया है कंसीलर जो मैं हाइलाइटिंग एरिया पे लगाऊँगी। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं नोज़ पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक आपके सामने है। अब मैं इसे पहना रही हूँ ज्वेलरी। मैंने मैट लिपस्टिक की हेल्प से तिलक बनाया है क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इससे बना दूँ। ये वाटरप्रूफ है तो पसीने में ख़राब भी नहीं होगा। और अब मैं बनाने वाली हूँ कृष्णा की पगड़ी। जो मैंने एक दुपट्टा लिया है उसे थोड़ा राउंड राउंड करके इसे लगा रही हूँ और पगड़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कैसी पगड़ी बनती है। आप देख सकते हैं मैंने कृष्णा की पगड़ी बना ली है। अब मैं सेफ्टी छोटी सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे सेट कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर लगाया है और अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक आपके सामने है। तो मेरा कृष्णा मेकअप कंप्लीट हुआ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कृष्णा मेकअप कैसा लगा। रोज़ रोज़ नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।